बर्थाना कंदेसी में हादसा। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने से चार मजदूर दबे, रेलकर्मियों ने चलाया रेस्क्यू। दिल्ली हाड़ा रेलवे लाइन पर बर्थाना क्षेत्र में कंदेसी रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के लिए बनाया गया लोहे का जाल अचानक गिरने से उसके नीचे चार मजदूर दब गए। हादसा अपराह्न करीब 2 बजे घटित हुआ। 2 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर कंदेसी फाटक के समीप निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का लोहे का 6.5 मीटर ऊंचे पिलर का लोहे का जाल अचानक गिरने से 5 मजदूर दबकर घायल हो गए। उनको 2 घंटा 10 मिनट चले रेस्क्यू के बाद निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया, जहाँ से गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। 2 घंटे 10 मिनट चले रेस्क्यू के बाद निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया, जहां से गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला संवाददाता पवन सिंह की रिपोर्ट। नाम बताइए। मेरा नाम दीपक तिवारी है, मैं एक समाज सेवी हूं। सर ये जो है हादसा हुआ है आज, ये किस गाँव का हादसा है सर? ग्राम कनेसी पचार का है, तहसील बर्थना, थाना बर्थना। क्रॉसिंग नंबर 21 पर ओवरब्रिज का कार्य चल रहा था, जिसका पिलर बनाया जा रहा था, उसमें रिंग वगैरह बांधी जा रही थी, तो जाल बनाया जा रहा था पिलर का जी, जिसमें अंदर घुल के कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे। उसका वेट अधिक होने के कारण वो एक साइड में झुक गया और वो दोनों पिलर रिंग के जो है नीचे गिर पड़े, उसमें मजदूर दब गए। अच्छा सर, ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें कितने मजदूर दबे होंगे सर? इसमें करीब 6 मजदूर थे। अच्छा सर, ये मजदूर, इनका आता पता सर? ये सर मुझे इतनी जानकारी हुई है कि ये बरेली के रहने वाले हैं, बरेली साइड के, और असल में यहाँ पर जो ओवरब्रिज का कार जो भी कंपनी करा रही थी, जो भी जैसे वहाँ के इंजीनियर या ठेकेदार थे, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही थी वहाँ किसी। अच्छा सर, कोई क्रेन रेन वगैरह? नहीं, वहाँ किसी हादसा होने पर कोई बचाव की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ बस उनके मजदूरों के कुछ मजदूर साथी थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहते सर, जैसे कि आप जिस समय हादसा हुआ है, आप उस समय वहीं मौजूद थे? मैं रेलवे फाटक के इस साइड में था, उस साइड में कार चल रहा था, जैसे ही ये हादसा हुआ फाटक बंद था। मैं सर, आपने सूचना की होगी सर प्रशासन को? जी, मैंने सप्तम अपने समाज सेवी साथियों को बुलाया और थाने में सूचना दी। उसके बाद में मैंने 112 नंबर पर भी डायल किया। अच्छा सर, और वहां से मुझे, मैं सबसे बड़ा बर्थना थाने के जो हमारे पुलिस के भाई हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस बात से कि उन्होंने आके अथक मेहनत करके बचाव कार्य में सहयोग किया, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के प्रयास से और ग्रामीणों के प्रयास से उनको बचाया जा सका। अच्छा सर, इनको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ ले जाया गया? यहाँ इनको सर्वप्रथम तो बर्थना जो हमारा चिकित्सालय है वहाँ भेजा गया था, उसके बाद आगे की जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है सर।